you said only 19. सो ऑल राइट, मूवी की स्टार्टिंग थोड़ी सी इंटेंस तरीके से होती है, जिसमें हम सभी को ही मूवी की स्टार्टिंग में एक साइकियाट्रिक थेरेपिस्ट डॉक्टर रॉस कॉटर को दिखाते हैं, जो कि बेसिकली लोगों का हॉस्पिटल के अंदर उनकी मेंटल हेल्थ पे उनका पर्सनली सेशन लेके पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करती थी कि किस टाइप की बीमारी से आखिर में उनके पेशेंट्स सफर कर रहे हैं। बट ये तो रही बात इनके मरीजों की, वेल अगर आप सभी को पता ना हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा। वेल ऐसे साइकेट्रिक डॉक्टर होते हुए डॉक्टर रोज कोटर जो कि लोगों का मेंटल हेल्थ पे काम करती थी, वो भी कहीं ना कहीं अपनी खुद की मेंटल हेल्थ से या फिर बचपन से ही एक ट्रोमा से सफर कर रही थी। वेल बात दरअसल कुछ ऐसी है कि तकरीबन आज से 20-25 साल पहले जब डॉक्टर रोज की उम्र 7-8 साल थी, तभी ही उनकी मदर जिनका नाम जूलिया था, उनकी मेडिसिन की ओवरडोज की वजह से अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है। तो जहाँ पर अपनी मॉम को ठीक अपने सामने ऐसे मरते हुए थे, डॉक्टर रोज कोटल वो स्टिल उस सदमे को भूला नहीं पाई थी। एंड वो शॉकिंग इंसिडेंट आज भी काइंड ऑफ ट्रॉमा बनके डॉक्टर रोज के दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है, जो कि कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। तो खैर, अब इसी ही दिन डॉक्टर रोज वो किसी पीटर नाम के बंदे का सेशन लेने के बाद बस हॉस्पिटल से अपने शिफ्ट खत्म करके निकल ही रही थी, तो उसी ही वक्त डॉक्टर सारा वो रोज के पास आकर किसी लोरा नाम की लड़की का, जो कि ग्रेजुएट स्टूडेंट थी, उनका केस इसके पास लाती है, जो कि काफी सीरियस था। अब वो केस है तो आइए देखते हैं। तो खैर, डॉक्टर रोज वो लोरा के केस को देख अपने शिफ्ट खत्म करने से पहले उसका एक छोटा सा सेशन लेने का डिसाइड करती है, देखने के लिए कि लोरा की कंडीशन आखिर में कितनी सीरियस है। तो जहाँ पर डॉक्टर रोज वो इंस्टेंटली अपने वार्ड के अंदर जा फॉर द फर्स्ट टाइम लोरा से मिलती है, तो तभी ही हम सभी ही देख पाते हैं कि लोरा वो काफी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब होती है। अब इसका रीजन क्या है, तो इस बारे में आप सभी को अभी थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। सो हाउएवर, रोज वो लोरा को अपने सामने बिठाकर उसके साथ हो रहे इंसिडेंट्स के बारे में बातचीत करते हुए जानने की कोशिश करती है कि आखिर में किस टाइप की बीमारी से ये गुजर रही है। तो जिधर ठीक सामने ही बैठी लोरा वो अंदर से बुरी तरीके से घबराते हुए डॉक्टर रोज को बताते हुए कहती है कि इसके लोगों के नॉर्मल चेहरे न दिखकर बल्कि जो आम तौर पर होते हैं उसकी बजाय उल्टा लोगों के क्रीपी से स्माइल वाले चेहरे दिखते हैं, जो कि आम तौर पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो कि वो स्माइल वाले चेहरे अपने आप में ही इतने ज्यादा शॉकिंगली डरावने थे कि लोरा वो अंदर से बहुत ही बुरी तरीके से बस उनको देखने भर से ही डर जाया करती थी, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया वो नॉर्मल स्माइल वाले चेहरे बिल्कुल भी नहीं थे। तो खैर, लोरा वो डॉक्टर रोज को आगे कुछ और बताती, तो तभी ही उससे पहले वो एकदम से अपनी कुर्सी से उठकर बड़े ही कृपी तरीके से डॉक्टर रोज की तरफ स्माइल करते हुए अपने हाथ में पकड़े हुए टूटे हुए कांच से लोरा वो अपना चेहरा उससे काट बड़े ही ब्रूटल तरीके से स्माइल करते हुए ही मर जाती है, जो कि ठीक सामने ही खड़ी डॉक्टर रोज वो इस दृश्य को अपने आंखों के सामने देखकर शॉकिंगली खौफ में चली जाती है। और अब बस ठीक इधर से ही ये मूवी एक बहुत ही बड़े लफड़े की तरफ जाने वाली है। तो हावेवर, अब लोरा कैसे मर जाने के बाद रोज वो फाइनली अपने शिफ्ट खत्म करके जैसे तैसे घर पे आती है, जहाँ पर वो कपड़े वगैरह चेंज कर नहा धोने के बाद नॉर्मली किचन में खड़े होकर शैंपेनी पी रही थी। तो तभी ही उसी ही वक्त रोज को ठीक अपने सामने लोरा का हंसता हुआ वही क्रीपी सा कोने में चेहरा देखने को मिलता है। तो जिसे देख डॉक्टर रोज वो इतनी ज्यादा डर गई थी कि उनके हाथ से कांच का गिलास ही छूट जाता है। बट हाउएवर, रोज वो ऐसे मैटर के बारे में अपने पति ट्रेवर को कुछ भी नहीं बताती, ऐसा सोचते हुए कि ये इसका एक नॉर्मल सा काइंड ऑफ वहम होगा। तो अब सीन सीधा घूमकर नेक्स्ट डे फोकस होता है, जहाँ पर डॉक्टर रोज वो कल के हुए हादसे को बिल्कुल ही भूलकर, जो कि वो उनको ऐसा लग रहा था कि वो उनके दिमाग का कोई वहम होगा, रोज वो हॉस्पिटल में आकर हर एक आम दिन की तरह अपने मरीजों का चेकअप भी करने जा रही थी। तो तभी ही उसी ही वक्त रोज को एक बड़ी ही दिल दिला देने वाली चीजें देखने को मिलती है। इनका पेशेंट काल जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, वो बेड पर बैठकर बड़े ही अजीब तरीके से रोज की तरफ स्माइल कर रहा होता है। तो जहाँ पर इस अनएक्सपेक्टिंग चीज को देख रोज वो काल के पास आकर उससे कुछ बात करने जाती, तो उससे पहले ही काल वो अचानक से एकदम से खड़े होकर रोज को घूरते हुए बस उनको चिल्ला चिल्ला कर बस एक ही बात बोलता है कि बहुत ही जल्द तुम मरने वाली हो। तो जिधर इसे दिल दहला देने वाली बात को सुन रोज वो अपने पास में ही खड़े हुए
कंपाउंडर को देख उनको काल को हैंडल करने के लिए ही कहती है, तो तभी ही उससे ही वक्तम सभी ही अपने को चौंका देने वाली चीज देखते हैं कि काल तो वो रोज की तरफ स्माइल करने के बजाय उल्टा नॉर्मली बेड पर लटकर सो रहा था, जो कि काफी चौंका देने वाली बात थी। वेल की डॉक्टर रोज का कोई वहम था या फिर या सही में उनकी तरफ कोई क्रीपी स्माइल कर रहा था, तो इस बारे में आप सभी को भी थोड़ी ही देर में अपना पे ही देखकर पता चल जाएगा। तो हाउएवर इस काइंड ऑफ टेरिफाइंग इंसिडेंट को देख डॉक्टर रोज वो अंदर से इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो अपने काम के शिफ्ट को बीच में ही छोड़ सीधे घर के लिए निकल जाती है। तो जिधर घर पे आते ही रोज वो अपने लैपटॉप पे बैठकर लोरा के सेशन वाली टेप को ही सुन रही थी ताकि कोई क्लू वगैरह रोज को उसे रिकॉर्डिंग को सुनकर मिल सके। तो तभी ही उसी ही वक्त आउट ऑफ नोवेयर हम सभी ही लोरा की छवि को डॉक्टर रोज की तरफ चिल्लाते हुए देखते हैं। तो इसे दिल दहला देने वाली चीज को देख डॉक्टर रोज वो डरने के अलावा लाचार होते हुए इस मैटर के बारे में कुछ भी नहीं कर पाती। तो बाय द वे सीन सीधा यहाँ से मूव होते हुए डॉक्टर रोज के नेफ्यू शैन के बर्थडे पार्टी के ऊपर फोकस होता है, जिनको होली एंड जॉय ने रोज को इस पार्टी में इनवाइट किया था। तो पार्टी में आते ही उसके कुछ देर बाद शैन वो अपने बर्थडे में आए हुए प्रेजेंट्स को, जिसमें वो सबसे पहले आंट रोज का गिफ्ट उठाकर अंदर से एक्साइटेड होके उसको खोलता ही है। तो तभी ही गिफ्ट खोलते ही शैन से लेकर पार्टी में आए हुए सभी ही लोग वो अंदर से बहुत ही बुरी तरीके से डर जाते हैं, क्योंकि उससे गिफ्ट के अंदर से कोई टॉय वगैरह निकलने की बजाय शॉकिंगली एक मरी हुई बिल्ली निकलती है। तो जिधर इस बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टिंग सीन को देख ठीक सामने ही बैठी हुई रोज वो एकदम से खड़ी होकर उस मरी हुई बिल्ली को अपने हाथों में लेते हुए पार्टी में आए हुए लोगों को इस मैटर के बारे में कुछ समझाती ही। तो उसी ही वक्त रोज को ठीक अपने सामने सोफे पे बैठी हुई एक लेडी का फिर से वही क्रीपी सा स्माइल करा हुआ चेहरा देखने को मिलता है। तो जिससे उस औरत के चेहरे को देख डॉक्टर रोज वो इतनी ज्यादा डर गई थी कि वो पीछे पड़ी कांच की टेबल पे ही गिर जाती है। तो अब मिनट घंटों में और दिन महीनों में गुजरने के बाद डॉक्टर रोज जिनकी अब दिन प्रतिदिन हालत अब कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा बिगड़ रही थी कि उनका अब अपने डर पे ही कंट्रोल नहीं रहता। एंड शॉकिंगली अब इनकी कंडीशन वो बिल्कुल ही जैसा कि आप सभी देख ही सकते हैं लोरा जैसी हो गई होती है, जहाँ पर डॉक्टर रोज ने इस चीज को समझने में इतनी देर कर दी थी कि वो अपने इस वियर्ड कंडीशन के बारे में अपने पति रोब को इस बारे में बताती है। तो जहाँ पर रोब वो रोज की इन बातों को सुन उसकी मदद करने के बजाय उल्टा अपनी ही पत्नी को कहीं ना कहीं पागल समझता है, जो कि ये सेम चीज लोरा के साथ भी होती थी कि जब भी वो किसी को अपनी कंडीशन के बारे में किसी को भी बताने की कोशिश करती थी फिर चाहे वो भले डॉक्टर रोसी क्यों ना हो वो लोरा की हेल्प करने की बजाय उसको कहीं ना कहीं पागल समझते थे, जो कि अब ये सेम चीज सरप्राइजली डॉक्टर रोस के साथ ही हो रही होती है। बिकॉज वो अब अपनी इस बिगड़ती हुई हालत के बारे में होली को बताने जाती है सोचते हुए कि वो डेफिनेटली इसकी मदद करेगी, बट अनफॉर्चुनेटली होली भी सेम बाकियों की तरह ही रोज की मदद नहीं कर पाती। एंड इनफैक्ट अब चीजें वो अपने आप से ही इतनी ज्यादा बिगड़ रही थी कि अब डॉक्टर रोज को होली का भी वही कृपे सा स्माइल करता हुआ चेहरा देखने को मिलता है। तो बस फाइनली इस मूवी के एंडिंग में डॉक्टर रोज वो अंदर ही अंदर इस क्रिपी स्माइल वाली चीज से इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि वो अपना सब कुछ छोड़ सिटी से बिल्कुल ही बाहर की तरफ काउंटी साइड के एरिया के अंदर आ जाती हैं, जहाँ पर अभी इनके अलावा इस पूरे एरिया में कोई भी मौजूद नहीं था। तो वह कई घंटों तक कार को ऐसे ही ड्राइव करने के बाद रोज वो थक थका कर अपनी कार से बाहर ही उतरती है। तो तभी ही उनको ठीक अपने सामने की तरफ एक बिल्कुल ही टूटा फूटा सा पुराना सा दिखने वाला केबिन देखने को मिलता है। तो जिधर इसे केबिन को देख रोज वो बिना कुछ सोचे समझे उसके अंदर चली जाती है। वेल अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि यह टूटा फूटा सा दिखने वाला केबिन और किसी का नहीं बल्कि डॉक्टर रोज का ही होता है, जिसमें इन्होंने इसे केबिन के अंदर अपना पूरा बचपन गुजारा था। बट अनफॉर्चुनेटली इनकी मदर के मरने के बाद से ही डॉक्टर रोज ने इस केबिन को छोड़ दिया था। तो बाय द वे अब अपने पुराने घर पे आते ही रोज वो बस अपने बचपन की यादों को ताजा करने के लिए इस केबिन को देख ही रही थी। तो तभी ही रोज को ठीक अपने सामने बने हुए अपने मॉम के कमरे के अंदर एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टिंग चीज दिखाई देती है कि इस कमरे के अंदर रोज को और कोई नहीं बल्कि अपनी ही मॉम शॉकिंगली बेड पर बैठी हुई देखने को मिलती है, जो कि वो इसके बचपन में ही मर चुकी थी। वेल अब ये कौन औरत थी जो डॉक्टर रोज को अपने सामने ऐसे खड़े देखने को मिल रही है? तो दरअसल ये नहीं तो कोई इंसान, ना ही डॉक्टर रोज का कोई ट्रोमा, एंड ना ही ये रोज की मरी हुई माँ थी।
एक्चुअली में ये चीज और कोई नहीं बल्कि वही स्माइल वाली एंटिटी होती है जो कि डॉक्टर रोज के साथ लोरा के मरने के बाद से ही काइंड ऑफ किसी साया की तरह उनसे चिपक गई थी। एंड शॉकिंगली ये एंटिटी तभी किसी इंसान के पीछे पड़ती थी जब कोई इंसान वो अपनी ही जान किसी और इंसान के सामने ले ले, तो जिधर वो दूसरा इंसान उस पर्टिकुलर इंसान को अपनी आंखों से मरते हुए देख ले तो बस वो एंटिटी उस मरे हुए इंसान से पास होकर सामने वाले के अंदर आ जाती थी। जो कि ये चीज हम सभी ने मूवी के स्टार्टिंग में लोरा एंड डॉक्टर रोज के केस के अंदर बहुत ही अच्छे से देखी थी। बट अब यहाँ पर इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इसे क्रीपी एंटिटी से पीछा छुड़ाने का सिर्फ एक ही तरीका था और वो था सुसाइड। तो बस अब जाहिर से ही बात ही होना क्या था, वो क्रीपी एंटिटी फाइनली अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है जो कि किसी ह्यूमनॉइड क्रीचर की तरह लग रही थी। तो इसे दिल दहला देने वाले दृश्य को देख लोरा वो केबिन से बाहर निकलकर इधर से भागने की कोशिश करती है, तो तभी ही उसी ही बीच जॉय वो भी इस केबिन के पास आ जाता है जो कि ये रोज से उस बर्थडे पार्टी के इंसिडेंट के बारे में बात करने के लिए आया था। तो हाउएवर रोज वो जॉय को यहाँ पर देख उससे डरकर उल्टा फिर से केबिन के अंदर ही चली जाती है। तो जिधर वो एंटिटी एकदम से रोज को पकड़कर उसके मुंह को बुरी तरीके से फाड़कर उसके अंदर ही घुस जाती है। तो जहाँ पर उसे एंटिटी के रोज के अंदर ऐसे घुसते ही जॉय वो रोज से बात करने के लिए केबिन के अंदर ही आता है, तो तभी ही उसी ही वक्त ठीक सामने ही खड़ी रोज वो अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर क्रीपी से स्माइल करते हुए जॉय के सामने ही अपने आप को आग लगाकर सुसाइड करके मर जाती है। तो जहाँ पर जॉय वो रोज को ठीक अपने आंखों के सामने मरते हुए देख लेता है, तो जिससे वो एंटिटी रोज से पास होकर जॉय के अंदर आ जाती है जो कि उसको इस बारे में पता भी नहीं चलता कि अब उसके साथ आगे क्या होने वाला है। एंड बस हमारी ये मूवी एक बड़ी ही टिपिकल एंडिंग के साथ ठीक इधर ही एंड हो जाती है। तो वेल दोस्तों यही थी स्माइल मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज की एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।